Sing that shit. हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने वाईफाई के इंटरनेट को किसी और वाईफाई के साथ शेयर कर सकते हैं या फिर किसी और वाईफाई को एज ए रिपीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे दो नेटवर्क हैं। जो सेकंड नेटवर्क है उसको मैं एज ए रिपीटर और उसके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना इंटरनेट कनेक्शन। तो मैं अपना एक बार राउटर लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे सीधा वायरलेस में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे WDS नाम का एक ऑप्शन है, वहाँ पे देख सकते हैं आप डिसेबल हैं, तो हमें इसको इनेबल करना होगा जिससे कि आप अपना इंटरनेट कनेक्शन शेयर कर सकते हैं और उसके बाद उसको एज ए रिपीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इनेबल कर देते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछता है उस SSID मतलब कि उस वाईफाई सिग्नल का नेम। आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्वे पे क्लिक करके और उसको ढूंढ सकते हैं। ये ध्यान रखें कि आपका जो दूसरा वाईफाई सिग्नल है उसका चैनल कौन सा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका चैनल 6 है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 6 चैनल है। तो आप अपने राउटर का भी चैनल 6 सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर ले कनेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सेकंड नेटवर्क आ गया है और दोनों के चैनल भी सेम हैं। उसके बाद आप यहाँ पे फिल कर दीजिए ऑटो पे क्लिक करके, यहाँ पे आपको मिलेगा WDS1, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपके में WDS मोड नहीं है तो ये कोई चिंता की बात नहीं है, आप उसे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आप उसका पासवर्ड फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपकी सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप उस नेटवर्क को डिटेक्ट करके और उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये ध्यान ज़रूर रखें कि यहाँ पे आपको नीचे DHCP की ऑप्शन मिलेगी, इसको डिसेबल ना करें, क्योंकि आप इस राउटर का दूसरे नेटवर्क के साथ शेयर कर रहे हैं, ना कि दूसरे नेटवर्क का इस नेटवर्क के साथ। क्योंकि आपने अगर कोई और वीडियो देखे तो उसमें वो इसको डिसेबल करके बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WDS स्टेटस रन कर रहा है, मतलब कि वो इस नेटवर्क के साथ इंटरनेट शेयर अभी कर रहा है। तो आप इस डिवाइस को किसी और रूम में या अपने घर से बाहर रख के भी नेटवर्क का आराम से मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना वाईफाई दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लिया और अब मैं अगर इंटरनेट यूज़ करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल काम कर रहा है। मैंने कोई ऐसा नहीं किया है कि मैंने किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लिया, उसमें वायर लगा दिया या फिर डाटा कार्ड में पहले से इंटरनेट है, उसका भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा सेकेंड नेटवर्क से कनेक्ट है और अगर मैं एक्सेस करता हूँ अपने राउटर को तो वो आराम से एक्सेस हो रहा है, क्योंकि दोनों नेटवर्क आपस में लिंक हैं, उनके बीच में एक ब्रिज नेटवर्क बन गया है। तो आप आराम से किसी भी नेटवर्क के साथ अपने घर में कनेक्ट करके आराम से इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। लेकिन इन दोनों का आप नाम भी अलग अलग रख सकते हैं या सेम नाम भी रख सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार नेटवर्क अलग अलग कनेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। आप दोनों नेटवर्क का नेम सेम और पासवर्ड भी सेम रखें ताकि ये ऑटोमेटिकली किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्ट रहे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अगर वायरलेस को अडैप्टर को रिमूव कर दिया या पावर ऑफ कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे INT लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं उसको वापस से पावर ऑन करता हूँ तो वापस से ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करके उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर आपको रन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। केवल इसमें आप अपना नेटवर्क सेलेक्ट कीजिए और चैनल सेम रखें ताकि ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। तो आप अब किसी भी नेटवर्क से आराम से कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, लेकिन आप अब अपने डाटा कार्ड की सेटिंग्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको अपना राउटर ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने दूसरे नेटवर्क का नेम और पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें और साथ में नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।